यार दोस्तों, हमने एक दो रोज पहले एक सीरीज, एक श्रृंखला आरंभ करी थी, और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा और इसको आगे लेके चलेंगे। ये थोड़ी थोड़ी देर के अंदर इसके बारे में बताया जाएगा। जैसे आज की पहली श्रृंखला जो हमारी श्रृंखला थी, उसके अंदर पहला वार के ऊपर बताया गया था। आज दूसरे वार के ऊपर हम थोड़ा सा आप लोगों के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे। सोमवार के बारे में बता के कंप्लीट किया था हमने, आज मंगलवार के बारे में। मंगलवार गुरु गणेश, गुरु मिश्र और गुरु जय नारायण जी के द्वारा क्या व्याख्या दी गई है? सादर प्रणाम। वो कहते हैं मंगलवार भूमि कुमार, अर्थात जो मंगलवार के दिन पैदा होते हैं, ऐसे लोग कहीं ना कहीं भूमि आदित्य आदि से संपन्न होते हैं या संबंध बनाते हैं। ऐसे लोग भूमि से संबंधित कार्यों के अंदर आर्किटेक्ट, भूपति, प्रॉपर्टी डीलर, रियल एस्टेट आदि के अंदर ऐसे लोग किसी ना किसी प्रकार से सम्मिलित रहते हैं, और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं इनके कार्यों में जमीन, संपदा, खनिज पदार्थ आदि मिले रहते हैं। मंगलवार में पैदा हुए व्यक्तियों का जो स्वभाव देखा गया है, आचार्य मिश्र क्या कहते हैं इसके बारे में? वो कहते हैं इनका स्वभाव हमलावर होता है, थोड़ा सा ये एग्रेसिव होते हैं, अपनी चीजों को सामने प्रस्तुत करने में थोड़ा इनका स्वभाव हमलावर रहा है। इसके साथ साथ वो कहते हैं हठी होते हैं, अपनी बात पे डटना जानते हैं और अपनी चीजों को प्राप्त करने के लिए हठ प्राप्त करते हैं। साथ में इनके अंदर सम्मान पाने की विशेष चाहत होती है कि किसी प्रकार से सम्मान, आत्मसम्मान, मान सम्मान मुझे प्राप्त हो। अत्यधिक आत्मविश्वास होता है और निडर होते हैं और अपने आप के ऊपर गर्व फील करते हैं, मतलब अपने आप को गर्वीला महसूस करते हैं। ये मंगलवार से संबंधित गुण देखे गए हैं। मंगल अधिपति लोग दो देवताओं के, अगर वारपति आपके जन्मांक के अंदर शुभ बलि हैं, पुरुष राशियों में बैठे हैं अर्थात विषम राशियों में, तो हनुमान जी महाराज का और कार्तिकेय महाराज जी का पूजन करना काफी लाभकारी है। और यही मंगल अगर स्त्री राशि में बैठे हैं तो माँ काली का, माँ दुर्गा की पूजा से लाभ प्राप्त होता है। मंगलवार में पैदा हुए लोग एक और विशेष प्रकार का योग बनाते हैं अगर इस दिन तिथि भी इसी से अनुकूल बन जाए। इसको सिद्ध योग बोलते हैं। मंगलवार के दिन अगर तृतीया, अष्टमी या द्वादशी लगी हुई हो तो ऐसे व्यक्ति सिद्ध योग के अंदर पैदा होते हैं, और मंगलवार के अंदर अगर प्रथमा, षष्ठी और एकादशी हो तो ऐसे व्यक्ति अमृत योग में पैदा होते हैं। इन दोनों योगों का क्लासिफिकेशन शास्त्र के अंदर काफी शुभ देखा गया। धन्यवाद, प्रणाम। आप लोगों से अपेक्षा है धीरे धीरे इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। आपके कमेंट्स, आपके सुझाव, अनुभव के लिए आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद।